अलीगढ़ में राजपूत समाज ने महापुरुषों और महिलाओं का अपमान करने के विरोध में पूरे देश में भाजपा प्रत्याशियों को हराने का संकल्प लिया है, जिसको लेकर जगह जगह बैठक की जा रही है। इसी क्रम में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के तत्वाधान में राजपूत समाज ने अलीगढ़ में भी बैठक की, जिसमें आरोप लगाते हुए बताया गया कि भाजपा के सांसदों द्वारा पिछले काफी दिनों से राजपूत समाज के महापुरुषों और महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जिसको लेकर राजपूत समाज ने देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों को हराने का मन बना लिया है, जिसके लिए राजपूत समाज भाजपा प्रत्याशियों के विरुद्ध मतदान करने की लोगों से अपील कर रहा है। हेलो, 8 मार्च को गोली मार दी, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सतीश कौशिक जी है, वो है सतीश गौतम, वो हमारी कहीं पे भी नहीं सुनवाई होने दे रहे। हम कहां कहां तक धक्के खाए, खाने में लाते हमें भगा देते हैं, धक्के मार के भगाते हैं। आदमी हमारा पागल है, हम पागल हो चुके हैं बिल्कुल। अगर हमारी नहीं सुनवाई तो हम आपकी बड़ी सभा में कह रहे हैं, हम भी छत्री हैं और छत्रियों की औरतें भी छत्री ही होती हैं। हम पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे, हम पांच बहने पांचों की पांचों आग लगाएंगी, अगर हमारा कोई साथ नहीं देगा तो। बड़ी सभा में कह रहे हैं हम। देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य तो ये पूरे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, ये सभी जिलों में 7 तारीख की जो पंचायत हुई थी, पहले चरण का चुनाव 19 तारीख में था, 19 तारीख में जितने लोकसभाओं में चुनाव था वहाँ जाने का प्रयास करा क्षत्रिय समाज ने, और ये संदेश देने का प्रयास करा कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बार बार राजपूत समाज की महिलाओं का, राजपूत समाज के महापुरुषों का अपमान कर रहे, तो इस बार इस चुनाव में हमने ये संकल्प लिया 7 तारीख की नौनौता पंचायत में कि पूरे देश में प्रयास करेंगे कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी सांसद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हैं उन्हें सबको हराने का काम करें। उसी उद्देश्य के लिए आज अलीगढ़ में पंचायत थी, इसके बाद फिर जगह जहाँ जहाँ भी चुनाव है वहाँ वहाँ पंचायतों का दौर जारी है। किसको सपोर्ट करेंगे आप इस पंचायत के बाद? जो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा हो, जैसे आपने ममता और बता रहे हैं दो जगह, वहाँ जो भी पार्टी जो भी प्रत्याशी हरा रहा था उन्हें सपोर्ट करा सारे समाज ने। तो अलीगढ़ में क्या लग रहा है आपको, कौन हराएगा? ये जनता सब जानती है कौन हरा होगा, निर्णय ले लेगी, क्योंकि यहाँ चुनाव जो है वो 26 तारीख में है और ये निर्णय ले लेंगे। अलीगढ़ वालों को पता है कौन हरा होगा, कौन जीत। आपकी सभा में कितना क्षत्रिय समाज के लोग, किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको हराना चाहिए, जो कैसे मान लेंगे आप? हराने का निर्णय तो ले चुके, किसे हराना है, अब जिताना किसे है ये अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं। ये कोई बिखराव नहीं होगा, 1% बिखराव नहीं होगा, समाज एकजुट है और पहले चरण के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि समाज में कोई बिखराव नहीं है, समाज अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए एकजुट है। अच्छा, आज मोदी जी अलीगढ़ में थे, हर बार देखा जाता तो उनकी सभा में बड़ी तादाद में भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार कुछ कम हुई है, क्या आपकी सभा का असर देखने को मिला है? राजपूत समाज के मेरे शब्द को ध्यान से सुने, राजपूत समाज के गांव से कोई व्यक्ति रैली में नहीं आया, भाजपूत समाज के लोग आ सकते हैं, उनसे मेरा कोई गुरेज भी नहीं। अच्छा, राजपूत नहीं आएंगे, भाजपूत वो आ सकते हैं क्योंकि वो उस कंपनी में काम करें तो उन्हें अधिकार भी आने का। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।